एंड यहाँ पे बोट में इस तरह से बैठ के सामने मड आइलैंड जाते हैं। ऐसे एक ऑटो स्टैंड मिल जाएगा एंड लेफ्ट हैंड आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। बस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होती है, मतलब 10-15 रुपए के अंदर आप इजीली पहुंच जाओगे। एक 10-15 मिनट का वॉक है, सो मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे जब कभी आओ। एंड अगर आप फेरी से आप ट्रैवल करने वाले हो तो बहुत ही कम्फर्टेबल से जूते पहनिएगा। ये आपको डायरेक्टली देखो सामने मायवे बीच है, यहीं पे आके आपको नीचे उतारेगी। मनोरी जाएगा, मनोरी से फिर रिक्शा पकड़ के फिर वहाँ जाओ। अच्छा वैसा है, हाँ तो फिर तो टाइम ही जाएगा अपने। सैंड जो है इसके ऊपर देखो इस तरह से चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड ये जो बस है अभी मैंने पता लगाया है ये बस फ्री में आपको लेके जाती है वाटर किंगडम के अंदर, सो इसके लिए कुछ एडिशनली पे नहीं करना होगा। आज हम लोग जाने वाले हैं वाटर किंगडम। वैसे दो रास्ते हैं वाटर किंगडम पहुंचने के, एक है बोरेवली से एंड एक है बरसोआ जेट्टी से। हेलो, गुड मॉर्निंग आंटी। हेलो, कैसे हो? तो भाई यहाँ पे जो भी लोग कोस्ट का जिनका ट्रैवल होता है ना वो यहाँ पे अपनी बाइक इस तरह से पार्क करते हैं एंड यहाँ पे बोट में इस तरह से बैठ के सामने मड आइलैंड जाते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले जाने वाले हैं मड आइलैंड। जैसे ही आप लोग बाहर निकलोगे ऐसे एक ऑटो स्टैंड मिल जाएगा एंड लेफ्ट हैंड आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। बस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होती है, मतलब 10-15 रुपए के अंदर आप इजीली पहुंच जाओगे। बैठने की जगह होनी चाहिए बस, नहीं है फुल है, पीछे वाली में बैठते। चलो चलो चलो, स्कूल पिकनिक पे जा रही। अरे कहीं भी चल, आगे 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 चलो, आगे अब देखते क्या होता है। बाय द वे यहाँ पे 13 रुपए की एक टिकट है। मैप्स के ऊपर जो है ना वो मायवे बीच थोड़ा सा पहले दिखा रहा था तो हम सब लोग बस के अंदर पहले ही खड़े हो गए थे, बट बाद में पता चला 2-3 स्टॉप और आगे बाकी है। तो कुछ इस तरह से यहाँ से बस आई एंड यहाँ पे हम लोग को उतारी है, लेकिन हम लोग को जाना यहीं पे है। सो यहाँ से अब हम लोग वॉक करते हुए सामने आपको बोट दिख जाएगा मायवे बीच का, आपको वो फॉलो करते हुए जाना है। अरे क्या है फोटो, यहाँ से तकरीबन एक 10-15 मिनट का वॉक है। सो मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे जब कभी आओ एंड अगर आप फेरी से आप ट्रैवल करने वाले हो तो बहुत ही कंफर्टेबल से जूते पहनिएगा। हमारे साथ में सीनियर सिटीजन्स भी है, सो हमने उनको पहले से थोड़ा सा हेड्स अप दिया हुआ है। बाय द वे हम लोग को तो जो बस मिल गई थी हम लोग उसमें बैठ गए एंड बिकॉज सारी की सारी बस वहाँ पे उतारती है, बट अगर आपको डायरेक्टली यहाँ तक आना है जो कि मायवे बीच, ये देखो मायवे बीच हम लोग पहुंच चुके हैं, तो ये है बस नंबर 272। ये आपको डायरेक्टली देखो सामने मायवे बीच है, यहीं पे आके आपको नीचे उतारेगी। ये क्या है भैया, मुझे गुड लक मिल गया। तोबा तोबा तोबा, यहाँ पे बस वड़ा पाव का एक ठेला अवेलेबल है, तो वो वाला भी आपको रेस्टोरेंट दिखाया था वो भी बंद है एंड यहाँ पे भी एक फैमिली रेस्टोरेंट है बट वो भी बंद है। एंड अभी बजे है 8:30। आई थिंक जो पहली बोट स्टार्ट होती है वो भी 9 बजे स्टार्ट होती है। क्या इडली वड़े वाला स्पॉटेड? चलो चलो चलो। वैसे तो वड़ा पाव यहाँ पे अवेलेबल है बट हम लोग अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज उससे यू नो पेट में थोड़ा सा गुड़ 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 हो सकता है एंड भाईजान की तो ऐसी तबीयत खराब हो रही है। कितना 10 मिनट ले आएगा? चलो ओके, पहला बोट 9 बजे आता है ना? नहीं नहीं, तो 5-5 मिनट में। अच्छा अच्छा, मतलब आज और कल दो दिन। अच्छा, स्टार्ट कितने बजे होता है मालूम है क्या? सुबह 5:30 बजे। अच्छा, आप आराम से बनाओ। ठीक है ठीक है, क्या 10:30 का पहला बोट है। हाँ भाई, किधर के? हमें जाना है। बोली 9 बजे का है, गूगल पे भी 9 बजे दिखा रहा है। ना 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 ना, पूछ के जाता मैं पागल हो गया। सुबह 7:30 से 7:15 के बीच में मिल लेना मिल लेना मिल लेना। मारो भाई, मैं तो बोलती पकड़ के मार रहा हूँ, रात से सोया नहीं हूँ मैं। चले रंगीली जीत के। इधर सुनो पहले वो क्या बोल रहे हैं। मनोरी मनोरी जाएगा, मनोरी से फिर रिक्शा पकड़ के फिर वहाँ जाओ। अच्छा वैसा है, हाँ तो फिर तो टाइम ही जाएगा अपने। सुबह जो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से पहले जाते थे बोट लेके ने वाटर किंगडम,
बट वो वाली बोट जो है वो बंद हो चुकी है। यहाँ से अब जो बोट चलती है वो सीधा मनोई लेके जाएंगे, मनोई से आपको बाय रोड वाटर किंगडम जाना पड़ेगा। सो यस, ये तो कुछ नई इन्फॉर्मेशन है जो मुझे अभी अभी मिली है। सो लेट्स सी क्या होता है। मैं हमेशा हेल्दी खाती, तुम लोगों को पता ही होगा, लेकिन आज आज मैं खाने वाली हूँ फ्राइड। ओके, और जो मैंने सुबह सुबह चिप्स खाए वो मैं मेंशन भी नहीं करने वाली हूँ। तो चलो, बोट यहाँ पे आ चुकी है। इसे देखो, बहुत सारे लोग इस तरह साइकिल लेके भी आते हैं, कोई बाइक लेके अपनी जाता है। बट हाँ, ये आप नीचे देख सकते हो सैंड जो है इसके ऊपर, देखो इस तरह से चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत मेजर रीजन था कि भाईजनों मैंने ये डिसाइड किया कि हम लोग अपनी खुद की बाइक वगैरह से कुछ नहीं लेंगे, अदरवाइज बाइक से जाना ज्यादा हमें अफोर्डेबल पड़ता। फैमिली के साथ में अगर मैं ब्लॉगिंग करने के लिए जा रही हूँ, नहीं माइक में आवाज नहीं आएगी ना। सॉरी, क्या था, लेंस किधर होता है वापस बताओ। इधर इधर, हाँ इधर देख के बात करने का। माइक किधर होता है? इधर इधर देख के बात करने का। आंटी भी समझ गए, आंटी भी समझ गए। माइक इधर है, कैमरा इधर है, आगे पीछे चलता रहेगा, ध्यान भी देने का। हाँ, ओ बिल्कुल, जैसे बोलोगे तो कुछ नहीं आएगा। GoPro ट्रेल जो मैंने लिया है, अब तक मैंने इसका उद्घाटन किया नहीं है। सो यस, इस ट्रिप के अंदर ही होने वाला है, एंड इस ट्रिप के अंदर ही मैं इसको पानी के अंदर भिगा के देखने वाली हूँ। जो मैं पिछला भी GoPro था उसको मैंने पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं भिगाया था, पता नहीं वो एक खौफ सा था, पता नहीं डालूँ नहीं डालूँ, बट ये वाला डेफिनेटली मैं डाल के देखने वाली हूँ। अभी हम लोग मनोई आके उतरे हैं, एंड यहाँ से अब हमें ऑटो रिक्शा लेनी होगी। यहाँ पे जो मैंने आपको रेती अभी अभी दिखाई थी ना, बस वही वाला एक सीन है जिसकी वजह से मैं एक्चुअली यहाँ पे अपनी खुद की एक्टिवा वगैरह कुछ भी लाना अवॉइड करती हूँ। उसके अंदर बाइक बहुत इजीली स्लिप भी हो जाती है। अब इनका डेली आने जाने का है सो इनको आदत है, बट हमसे तो ना हो पाई। तो बोट में जब आप वहाँ से चढ़ते हो तो आपको कोई टिकट नहीं दिखानी होती है, एंड अगर आप यहाँ से ऐसे ही वापस चले जाते हो खाली गाइड लेके तो भी आपको कोई टिकट नहीं देनी होगी, आप फिर के अंदर ये वाला काम कर सकते हो। बट अगर आपको अंदर जाना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे। जी जी, वाटर किंगडम चलेंगे अंकल? कितना? हम तो 7 लोग हैं। नहीं कितना? हाँ एक दोन गाड्या पाहिजे रे त्यांना। सभी ओ वरती जा, 250 है, कम नहीं होगा अंकल? 2 में आ जाएंगे सब लोग, 7 जन, 1 में 4। अच्छा, 1 में 4 बैठेंगे। अच्छा ठीक है, ये वाली में बैठना है क्या? और आपकी? 1 मिनट अंकल, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ क्या हो गया, उधर ही बैठा है, भगा दी उसको, गजब बेइज्जती है। जैसे हम जो जेटी से होते हो गए ना, आपको यहाँ से ऑटो रिक्शा बहुत ही इजीली मिल जाती है। अब आई डोंट नो कितना डिस्टेंस है, वो मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे पहुँचने के बाद। अभी एक और हमें नई इन्फॉर्मेशन पता चली है, ऑटो रिक्शा है ना वो हमें डायरेक्टली वाटर किंगडम के ऊपर नहीं छोड़ेगी, बल्कि हमें यहाँ पे एक बस स्टैंड के ऊपर लाके छोड़ेगी, एंड यहाँ से हमें जाना है वाटर किंगडम के अंदर। मुझे नहीं लगता मैं आइंदा से कभी भी मड आइलैंड के थ्रू यहाँ पे आने वाली हूँ, बिकॉज इस बार जितना मैंने अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज किया है ना, आई डोंट थिंक फैमिली के साथ में वो कन्वीनियंट है। सो आई थिंक बोरेवली से जाना ज्यादा बेटर होगा। वैसे हम लोग 9:20 को ऑटो रिक्शा के अंदर बैठे थे, एंड यहाँ पे हम लोग को ऑलमोस्ट 9:35 यानी 15 मिनट के अंदर हम लोग को यहाँ पे पहुँचा दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको से कैंटीन मिल जाएगी, तो यहाँ आप चाय कॉफी सब कुछ अपना कर सकते हो। एंड ये जो बस है, अभी मैंने पता लगाया है ये बस फ्री में आपको लेके जाती है वाटर किंगडम के अंदर, सो इसके लिए कुछ एडिशनली पे नहीं करना होगा, विच इज द रिलीफ, क्योंकि अभी अभी ऑटो वाले को 250 रुपए पे किए हैं। भाई देखो, व्लॉगिंग वगैरह तो होती रहेगी, बट सबसे पहले हम जाके फोटोज निकालते हैं अपने, क्योंकि इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। ओ भाई, मेरी भी फोटोग्राफ निकालो। बाय द वे, सारी की सारी फोटोग्राफ आपको मैं इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर मिल जाने वाली है, इंस्टाग्राम का हैंडल आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो भाई पूरी बस के अंदर हम ही हमें, कुछ भी बोलो, रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये वाला।
अच्छा अच्छा और भी लोग तो भाई यहाँ पे भी एक बस स्टॉप था। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ वाले लोग कहाँ से चढ़े, अगर आपको पता हो तो नीचे मुझे कमेंट्स कर लिख के बता देना। आते के साथ इतने सारे लोग, ओके वे टू टिकट काउंटर, ओके भाई मुझे ना यहाँ पे आने का एकदम बचपन की याद आ रही है। मतलब वो जो एक स्विमिंग पूल के अंदर जो आई गेस क्लोरीन वाटर है कि अब पता नहीं किसकी तो भी खुशबू है ना, वो मुझे ऑटोमेटिकली आने, ओ यहाँ पे थे हम लोग। अभी हम लोगों ने अपनी टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक किए हैं, उसके अंदर आपको यहाँ पे आके इस तरह से बस अपना जो ऑनलाइन का टिकट का क्यूआर है वो आपको इनको दिखाना होता है। भाई वो देखा याद आया, देखो अपन यहाँ पे आए थे स्कूल के साथ पिकनिक के ऊपर यासमीन दीदी के साथ। कितने साल हो गए? बहुत साल, 10 साल। 200 rupees बाय द वे यहाँ के लॉकर का चार्ज है, जो अभी आपको मैं अंदर जाने के बाद बताती हूँ। नो फूड आइटम्स अलाउड। वाह भैया पैसे कमाने हैं इन्हें पैसे, एंड पैसा कमाने के लिए बाहर का खाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आपको अपना खुद खाना यहाँ पे खरीद के खाना पड़ेगा। सो भाई आपके बैग इस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी चेक से होके निकलती है, एंड इस पॉइंट के आगे आप खाना पीना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते हो। थैंक यू। खाना गया? गया। भाई यूजुअली जो टिकट का प्राइस होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है, थिंक कुछ 1400-1300 रुपये कुछ ऐसे चल रहा होता है, बट मुझे टिकट 999 के अंदर मिली है, क्योंकि ना फिलहाल चल रहा है इंडिपेंडेंस डे का ऑफर, ये कुछ 10 से लेकर 19 अगस्त तक का बस ये ऑफर चल रहा है। थैंक यू। ये है वाटर किंगडम भाई, मुझे याद है आई गेस मैं यहाँ पे 10 साल पहले आई हूँ। तो मूर्ति दिखा रही थी उसके बिल्कुल पीछे आप अगर आओगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेंट करने के लिए। 400 टोटल पे करना है, कितना रेंट रहेगा? 280 रेंट रहेगा और 120 डिपॉजिट दोनों का ना, टॉप वाटर। हाँ ठीक भाई, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको लॉकर रूम्स मिल जाते हैं, ऐसे अंदर चेंजिंग आपको रूम मिल जाते हैं। ये वाला कैमरा मैं फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रही हूँ वाटर किंगडम के लॉकर रूम में। एंड बाय द वे माइक वगैरह कुछ भी मैंने अटैच नहीं किया, क्योंकि मैं कैमरे सीधे पानी के लेके जाने वाली हूँ, सो आई एम नॉट श्योर कि इसका ऑडियो कितना अच्छा आने वाला है। बाय द वे जो बैंड दिया हुआ है उस पर स्कैन करना होता है, तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गया। अब मैं इसको ऐसे पुश करूँगी तो ये खुल गया। ये वाला साइज है इसका, आई गेस जूते वगैरह अभी इसमें ईजिली आ जाएंगे, ऊपर तक सबके जूते मैं ऐसे डाल दूँगी। चलो सब कुछ अंदर मैं फिट करती हूँ, उसके बाद आपको लेके चलती हूँ वाटर पार्क। निकाल लिया है मैंने अपना नंबर वाला चश्मा एंड लगा लिया है ये वाले ग्लासेस, यानी अब मुझे बस वही लोग दिखाई देने वाले हैं जो कि 10 फीट के आसपास होंगे। सो जो भी मैं 10 फीट के आसपास होगा उसके साथ मैं एंजॉय करने वाली हूँ ये वाटर पार्क। शर्ट भी चोरी कर ली, मेरे को ऐसे ऐसा घूम रहा हूँ अंदर। बचपन के अंदर है ना यही सब देख देख के हम इतना एक्साइटेड हो जाते थे कि हिप्पोपोटामस देख लिया, ये जो खुशबू आने लगी ना यही से क्लोरीन वाटर। आई नो शायद बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छी 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 क्लोरीन वाटर कितना गंदा पानी होता है। आई नो तुम लोग वहाँ पे बैठ के देखो ना इसे, तुम लोग को ऐसी ऐसी फीलिंग आई, मैं यहाँ पे हूँ ना मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे भाई तेरी फोटो यहाँ लगी। जस्सी भाई भाई की फोटो, आई मीन उनकी मूर्ति लगी है तुम्हारे स्वागत में यहाँ पे लगाया गया। पेड़ भी सेम आ रहा है, पेड़ अंदर के चल रहा है अभी भी दिख रहा है। अच्छा खासा पेड़ अंदर है, कुछ भी सांस छोड़ रही है अंदर भाई सांस छोड़ अरे तो वेव पूल है। सबसे पहले आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग आ जाओ वेव पूल के अंदर, जो कि यहाँ का सबसे बेसिक पूल भी है, सबसे बड़ा पूल भी है, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ओ भाई साहब, मतलब भाई कितने टाइम बाद आई हूँ मैं यहाँ पे, बताओ। मुझे ऐसा लगा था कि सैटरडे का दिन है ना तो शायद पूल फुल ऑन भरा हुआ होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इस तरह से खाली है। एंड आई एम ग्लैड वैसे अभी आए गए सुबह कितने बजे? 10:30 क्या आया अभी? आई थिंक सुबह के 10:30 होंगे एंड पूल बहुत ज़्यादा खाली है, बट ये सैटरडे का दिन है सो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते जाएंगे जैसे जैसे दिन आगे आगे बढ़ेगा। अपना शुभ कदम पानी के अंदर डालते हुए